आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश का तो नहीं है, लेकिन यूज़ेबल है जनरल नॉलेज के लिए। वो आप ज़रूरी है कि आपका जनरल नॉलेज को बढ़ाएगा। कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि वीडियो बनाकर आप तक पहुंचने चाहिए। कुछ लोगों को कुछ टॉपिक पसंद नहीं आते हैं, एतराज़ होता है उनको कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक क्यों बना लेती हूँ, लेकिन ये टॉपिक सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि आपका जनरल नॉलेज बढ़े और साथ में आपको ये पता चले कि देश में या विदेशों में, दुनिया में, अलग-अलग देशों में क्या-क्या होता है, वहाँ क्या-क्या परंपरा है। हमारे देश से अगर हम तुलना करें दूसरे देशों की, तो हम कई बार ये देखते हैं कि हमारा देश जो है बाकी देशों की तुलना में काफ़ी अच्छा है। आज हम बात करेंगे स्वाजीलैंड की, एक ऐसा देश जहाँ पर कि कुंवारी लड़कियों के टॉपलेस परेड की जाती है, और इस परेड में एक लड़की को राजा चुनता है और उसे अपनी रानी बनाता है। क्या है ये परंपरा, क्यों करवाता है राजा ये परंपरा, और इसका क्या विरोध नहीं किया गया अभी तक, यही सब जानेंगे हम आज के अपने इस छोटे से वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड देश जो है वो वर्तमान में बहुत ही चर्चा में है, और इसकी जो चर्चा का विषय है वो यही है टॉपलेस परेड। परंतु इसके अलावा भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं। इस देश के राजा ने अपने देश का नाम जो है वो परिवर्तन किया है, और साथ ही साथ स्वाजीलैंड एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जहाँ राजशाही परंपरा आज भी चलती है, यानी आज भी वहाँ राजा का शासन चलता है। स्वाजीलैंड का राजा इस्वातिनी, इसकी जो अगर संपत्ति की हम बात करें तो 1434 करोड़ की संपत्ति उसके पास है। मतलब यहाँ तक कि उसके पास कई तो गाड़ियाँ हैं, और हर उसकी जितनी भी महारानियाँ हैं सबके पास एक एक गाड़ियाँ हैं। वो अपनी रानियों को गिफ्ट में महंगे से महंगे तोहफे देता है। उसके अपने खुद के निजी जेट हैं, और साथ ही साथ स्वयं के लिए उसके हवाई अड्डे भी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पास कितनी संपत्ति होगी। स्वाजीलैंड सिर्फ इसी वजह से नहीं बल्कि टॉपलेस परेड के लिए भी कुख्यात है। इस देश में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। राजा ही नहीं, आम नागरिकों को भी बहुविवाह की स्वतंत्रता प्राप्ति है। जहाँ का राजा ऐसा होगा तो वो प्रजा पे कहाँ अंकुश लगाएगा। राजा ने इस परंपरा का भरपूर लाभ उठाया, और एक के बाद एक उसने 15 शादियां की है। अपनी 15 पत्नियों को मनाने के लिए राजा ने अपने कोष से बड़ा खर्च किया है। अब 15 रानियां हैं, तो रानियां नाराज भी होती हैं, और रानियों को मनाने के लिए उसने बहुत पैसा खर्च किया है। 15 रॉल्स रॉयस उन सभी को उपहार में दिए हैं। इतना ही नहीं, BMW कारें भी उनके लिए खरीदी हैं, और पिछले साल अपने जन्मदिन पर अपने देश का नाम बदलने वाले राजा इस्वातिनी ने नई शादियां भी की हैं। यानी इन 15 के अलावा भी उसने और शादियां भी की हैं। इस देश में, स्विट्जरलैंड में, हर वर्ष टॉपलेस कुंवारी लड़कियों की परेड कराई जाती है, और इसी में से राजा के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने लिए नई पत्नी को चुन ले। दिलचस्प बात यह है कि परेड में शामिल होने वाली लड़कियों को, जो ऐसी लड़कियां हैं जो परेड में शामिल नहीं होती हैं, तो ऐसी लड़कियों को सजा तक दी जाती है। वर्तमान में ये परेड जो है लोगों की नज़रों में इसलिए भी आई है क्योंकि लड़कियों ने ऐसी परेड में शामिल होने के लिए इनकार कर दिया था, और उनके इनकार करने की वजह से उनको पनिशमेंट दी गई है, उनके परिवार वालों को परेशान किया गया।
मतलब हर एक लड़की को जो कुंवारी है उसको टॉपलेस परेड में भाग लेना ही है। और राजा उनको देखकर उनमें से एक को अपनी पत्नी के रूप में चुनता है। राजा के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हर साल के सितंबर माह के दौरान सभी कुंवारी लड़कियों की परेड कराता है और सभी को टॉपलेस रखता है। उसके बाद राजा परेड का निरीक्षण करता है। सीधी सी बात है, लड़कियों का निरीक्षण करता है और जो लड़की उसको पसंद आ जाती है उसे महल में ले जाता है तथा अपनी संगिनी बनाता है। हालांकि राजा के इस फैसले का काफ़ी विरोध भी हो रहा है और कई लड़कियों ने पिछले साल परेड में हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया था, जिन्हें जुर्माना देना पड़ा। राजा के पिता की भी अगर हम बात करें तो उनकी भी 125 रानियां थीं। तो मित्रों, ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि अदर कंट्री का था और केवल इसलिए था कि आपको हर देश की प्रथाओं के बारे में, कुरीतियों के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश बाकी देशों की तुलना में काफ़ी अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है। राजा की जो प्रथाएं चली आ रही हैं उनमें वो किस किस तरीके से अपनी प्रजा के साथ अत्याचार कर रहे हैं ये भी आपको समझने को मिला होगा इस वीडियो में। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, अगर आपको आइला टॉक्स चैनल के कोई भी वीडियो पसंद आता है, ऐसा नहीं है कि आप हर वीडियो पे कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, पर वास्तव में आपको जो वीडियो पसंद आता है उसको आप कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।